का एक एक जनता बीजेपी को समाप्त करने के लिए कमर और सर में गमछा बांध चुका है, और बीजेपी को कुछ भी करने के पहले सोचना पड़ेगा, चाहे वो जितना यहाँ आ ले, बीजेपी का दाल अब बिहार में नहीं गलने वाला है। बिहार की राजनीति में अमित शाह की बार बार एंट्री क्या साबित करना चाहती है, और क्या उसका प्रभाव 2025 लोकसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाली है? क्योंकि अमित शाह बिना चुनावी घोषणा के अभी दूसरी बार रैली करने, यानी 11 अक्टूबर को फिर से बिहार में आ रहे हैं, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर पटेल जी, जानेंगे कि क्या इसके मायने हो सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर। अमित शाह अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के पूर्णिया भागलपुर से रैली करके वापस गए हैं, और फिर 11 अक्टूबर को उनका फिर से बिहार आगमन हो रहा है। ये क्या संदेश थे? क्या ये इसकी प्रभाव 2024 लोकसभा के लिए तैयारी चल रही है, या फिर से बिहार में जमीन तलाशने की शुरू कर रही है बीजेपी? बीजेपी की जमीन बिहार और देश दोनों जगह से खिसक चुका है, जिसका खामियाजा बीजेपी को अभी भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बन गया, और सरकार बनने के बाद अब अमित शाह ये देख रहे हैं कि मुझे तो अब बिहार से एक सीट नहीं मिलने वाला है, वही हाल इनका यूपी में होने वाला है, जमीन इनका खिसक चुका है। यही कारण है कि बार बार ये बिहार आकर के हिंदू मुस्लिम करके और बेवजह हर जगह दंगा फैलवा करके बिहार में एक साजिश रचने के लिए आ रहे हैं, जो अब कतई संभव नहीं है। इसलिए कि बिहार का बागडोर अभी सुशासन बाबू नीतीश कुमार के हाथ में है, और गृह मंत्रालय उनके पास है, और लालू जी का सहयोग मिल रहा है उनको, और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। यहाँ कोई चारा उनका नहीं चलेगा। अमित शाह चाहे जितने ही बार आ लें, नाक रगड़ ले बिहार के धरती पे, बिहार परन कर चुका है। इस बार बीजेपी को खत्म कर देने का, समाप्त कर देने का, तो बिहार का एक एक जनता बीजेपी को समाप्त करने के लिए कमर और सर में गमछा बांध चुका है, और बीजेपी को कुछ भी करने के पहले सोचना पड़ेगा, चाहे वो जितना यहाँ आ ले, बीजेपी का दाल अब बिहार में नहीं गलने वाला है। लेकिन ये बार बार एक महीने में दो दौरा बिहार का भी कर रहे हैं, हालांकि चुनाव भी अभी बिहार में नहीं है, तो ये घबराहट क्यों है बीजेपी, बेचैनी क्यों है बीजेपी में? और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरा समीकरण क्या बन रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? इसका सबसे बड़ा खिचड़ी ये है कि इनकी जो पहले की अर्निंग थी वो 300% डेवलप कैसे कर गया, इनकी वाइफ की 1600% कैसे बढ़ गया, इनके बेटा का 1600% कैसे बढ़ गया। जिस दिन ईमानदार पीएम देश में बनेगा, उस दिन सबसे पहले अमित शाह को भी जेल जाना पड़ेगा। अमित शाह भी बहुत बड़ा घोटाला किए हुए हैं, इसलिए अपने घोटाले को से बचने के लिए बिहार दौरा कर रहे हैं, और हर जगह अपना जमीन तलाश रहे हैं कि किसी भी तरह 2024 में सीएम नीतीश कुमार नहीं बने। ये चाहे जितना भी साजिश कर ले, पीएम नहीं बने नीतीश कुमार, चाहे जितना भी साजिश कर ले, लेकिन पीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। अभी सबसे पहले नीतीश कुमार यूपीए के अध्यक्ष होने जा रहे हैं, देश के यूपीए के अध्यक्ष होंगे, उसके बाद बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव जी को दिया जाएगा, लेकिन अभी उसकी समय दिन और साल निश्चित नहीं हुआ है कि कब देंगे। जिस दिन घोषणा होगा उसके बाद
यहाँ सब कुछ सौंप करके और पूरे देश में तूफानी दौरा चलेगा नीतीश कुमार जी का, अब पीएम की कुर्सी नीतीश कुमार जी ही लेंगे इस बार। लेकिन क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को यूपीए का अध्यक्ष बनाएगी? क्योंकि अभी तो कांग्रेस के खुद अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिए काफ़ी बवाल खड़ा हुआ, राजस्थान में भी आपने देखा गहलोत और पायलट की लड़ाई, अभी अध्यक्ष की लड़ाई में दिग्विजय सिंह है, मल्लिकार्जुन खड़गे है और भी तमाम लोग इसमें आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बदल देगी, अपने परिवार से बाहर दे देगी, दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो क्या यूपीए की भी बागडोर दूसरे के हाथ में दे देगी? जहाँ तक अध्यक्ष की बात है तो ये पार्टी का मामला है और पार्टी में न्याय संगत जो कानूनन प्रक्रिया है उसके तहत अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस पार्टी कराने जा रही है। और जहाँ तक यूपीए अध्यक्ष का प्रश्न है, यूपीए अध्यक्ष नीतीश कुमार को ही बनाएगा, ये बात हो चुकी है लालू जी के थ्रू, और नीतीश जी भी थे और ऐसे भी उधर से भी कांग्रेस के भी लोग चाह रहे हैं कि अच्छे आदमी यूपीए का अध्यक्ष बने जो कि दौरा कर सके, पूरे देश में घूम सके और सब लोग को मिला करके एक प्लेटफॉर्म पे ला सके और आगे जो भी है फतह करना है हिंदुस्तान पे, दिल्ली के सिंहासन पे कब्जा करना है, इसलिए कि दिल्ली के सिंहासन पे जो आज बैठा हुआ है देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको अब नैतिक अधिकार नहीं है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का, उनके रहने के कारण देश की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और मैं जान रहा हूँ 100% जान रहा हूँ कि सोनिया जी भी इसमें ना नहीं कहेंगे, सब लोग चाह रहे हैं कि नीतीश जी यूपीए अध्यक्ष बने। तो चूंकि अभी अमित शाह के दौरा होने का क्या मायने निकलेगा और यूपीए का अध्यक्ष कौन होगा और साथ ही साथ कांग्रेस कि क्या रणनीति होगी, बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति किस मोड़ पर होगी, तमाम चर्चा को हम आप लगातार देखते रहेंगे। बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वार्ता। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें और दीजिए इजाज़त हमें। नमस्कार।